everyone, कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are doing good. So welcome back to my channel, that is V's Corner. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको पसंद है वीडियोस देखना ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो बात करें आज की वीडियो की. आज की वीडियो आई थिंक थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल. मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था चिकनकारी, मीशो से कुछ चिकनकारी चाहिए आपको कलेक्शन. सो हेयर इट इज, बहुत ही अमेजिंग पीसेज है जो मैंने चूज किया है. आई नो मेरा मीशो का कलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता है, वो इसी वजह से नहीं आता कि मैं बहुत चूजी हूँ. मैं हर कुछ ना तो ले सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ. सो ये मेरी एक आई डोंट नो हैबिट है, गंदी है, अच्छी, आई डोंट नो, बट मुझे को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सेलेक्ट करने में, चूज करने में. तो आज का जो कलेक्शन है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि एक एक पीस मैंने बहुत टाइम लगा के ढूंढ ढूंढ के मतलब आपके लिए लेके आई हूँ मैं. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए. सारा चिकनकारी कलेक्शन होने वाला है इसमें. इसमें आपको जॉर्जेट में चिकनकारी, कॉटन में चिकनकारी, सलवार के साथ चिकनकारी, एंड कुर्तीज चिकनकारी में, अनारकली चिकनकारी में. तो मतलब बेसिकली चिकनकारी में जो जो चीजें होती है वो सब आपको इस कलेक्शन में देखने को मिलने वाले. इवन मिरर वर्क चिकनकारी कुर्तीज भी आपको इस कलेक्शन में देखने को मिलेंगी. आई थिंक कलर्स भी आपको सब में, जितने भी आई थिंक मोस्टली पीसेस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, सब में आपको सब कलर ऑप्शन मिलने वाले. आई थिंक एक एक पीस में 8-10 कलर ऑप्शन हैं, मतलब हर पीस में. अगर आपको कोई पीस पसंद आ रहा है, आपको वो कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसमें और कलर भी ले सकते हो. सो ये भी आपके पास ऑप्शन है. आई थिंक साइजेस में भी अच्छी वेरिएशन है इन सब में, काफी साइजेस की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी. बाकी सब कुछ डिटेल मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. मीशो से तो अफोर्डेबल तो होगा ही, आई डोंट थिंक सो कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या आउट ऑफ बजट जाने वाला है पीस, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सारे पीसेस बहुत अफोर्डेबल है. सो अभी बहुत मैंने आई थिंक आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कलेक्शन से. सो अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और वीडियो शुरू कर लेते हैं. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट जो कुर्ती मैंने परचेज की है मीशो से वो है ये. बहुत ही सुंदर चिकनकारी का काम है इसके ऊपर, 100% प्योर कॉटन में है. आई नो थोड़ी सी ट्रांजी है, इसके नीचे आपको इनर वेयर करना पड़ेगा. तो ये जो कुर्ती है आपको मिलेगी ऑफ व्हाइट कलर में, एंड फुल लेंथ कुर्ती है. इसके ऊपर आपको फुल थ्रेड वर्क मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा सुंदर है. एंड बैक पे भी आपको चिकनकारी का काम मिलेगा. इवन यहाँ स्लीव्स के ऊपर भी आपको एक फ्लावर जैसा सा डिजाइन मिलता है जो बहुत ही प्रिटी लग रहा है. फैब्रिक बहुत ज्यादा प्योर है. आई थिंक ऐसी कुर्तीज जीन्स के साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है. सो बहुत ही प्रिटी कुर्ती है. स्लीव्स के ऊपर भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है. पूरी कुर्ती के ऊपर आपको ये डिजाइन मिलता है जो बहुत सुंदर है. साइज मैंने इसमें 40 परचेज किया है. चिकनकारी अगर आप ले रहे हो ना कुर्ती, तो लूज वन साइज अप ही बाय करना. वैसे अच्छी लगती है लूज फिट में ना, अच्छी लगती है चिकनकारी कुर्तीज. एंड नेक्स्ट है ये मिरर वर्क में लेवेंडर लाइलैक कलर में जो आपको मिल रही है. इसके साथ आपको इनर 60 में मिलेगी. सो कई काफी मीशो पे आपको कुर्तीज मिल जाएंगी चिकनकारी में, बट मोस्टली के साथ वो इनर नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दो बारी हो चुका है. तो फिर इनर अरेंज करना कलरफुल, स्पेशली अगर कुर्ती है तो उसके साथ इनर अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो अब इस बार जो भी मैंने कुर्तीज ली हैं सबके साथ इनर आया है. सो ये थोड़ा सा इस फैब्रिक में है कि आप इसको वॉश करोगे ना तो ये थोड़ा सा अपनी सॉफ्ट फॉर्म में आएगा. अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इनर्स ऐसे ही होते हैं, इसी फैब्रिक में होते हैं. सो ये भी कुर्ती जो है मिरर वर्क की कुर्ती है चिकनकारी, ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक में ली है. अगेन ये 40 साइज में मैंने परचेज किया है. फुल ये जो आप मिरर वर्क, ये जो आप सारी डिजाइनिंग देख रहे हो, रियल मिरर वर्क है जो पूरी कुर्ती पे आपको मिल रहा है. पूरा हैवी भरा हुआ चिकनकारी का काम है. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कुर्ती है ये, मुझे बहुत ही सुंदर लगी है इसकी. जो एक मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है इसके ऊपर, आपने भी शायद नोटिस किया हो, तो यहाँ पे 38 मेंशन है, जो कि मैं 40 साइज लेती हूँ. तो इनर के ऊपर 40 मेंशन है बट इसके ऊपर 38 मेंशन है. अभी ये मुझे नहीं पता, अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है. बाकी ट्राई ऑन में आपको क्लिप में समझ आ जाएगा कि कैसा फिट इसका नजर आ रहा है. बाकी कुर्ती बहुत अमेजिंग है. पीछे भी, बैक पे भी ये चिकनकारी का काम प्लस मिरर की डिटेलिंग मिल रही है आपको. पूरी कुर्ती पे ही बेसिकली आपको मिलेगी, पीछे की तरफ भी. पीछे की तरफ कम है, आगे की तरफ ज्यादा है. बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है. इसको आप किसी भी व्हाइट कलर के ट्राउजर के साथ पेयर कर सकते हो या फिर जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. सो नेक्स्ट है जो चिकनकारी में मैंने परचेज की है, ब्लैक कलर की अनारकली कुर्ती है. सो आई थिंक ये तो आपने बहुत बारी देखी भी होगी मीशो पे, आई डोंट नो, आपने शायद परचेज भी की हो.
बट मुझे बहुत प्रिटी लगी ये, एंड इसमें भी आपको सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड इसका बेस्ट पार्ट मैं दिखाती हूँ आपको, इसका जो फ्लेयर है, जो नीचे ये घेरा है ना, ये माइंड ब्लोइंग है। ये मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी मैंने देखी है चिकनकारी कुर्तीज, जब मैं ढूंढ रही थी तो काफ़ी आ रही थी ऑप्शन में, तो बट ये डिज़ाइन मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा, मतलब हैवी सी लग रही है जॉर्जेट ना, एंड जो चिकनकारी का काम है इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सफाई से हुआ, कहीं से भी धागे नहीं निकल रहे, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। एल साइज में मैंने इसको परचेज किया है। एंड इसके साथ आपको, एंड इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिल जाता है, जो मैं तो नहीं लेने वाली हूँ फॉर श्योर कुछ इस तरीके का, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, बट मैं तो नहीं लेने वाली हूँ। बाकी ये इस तरीके से आपको दुपट्टा भी मिलेगा इसके साथ। क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ आपको लाइनिंग मिलेगी बस्ट एरिया तक, नीचे लाइनिंग नहीं है, बस्ट एरिया तक लाइनिंग मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। सो नेक्स्ट जो है चिकनकारी कॉटन के ऊपर है, ये सलवार के साथ है। तो ये जो चिकनकारी सूट है, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, प्योर कॉटन में है ये। साइज इसमें मैंने 40 परचेज किया है, बहुत ही प्योर सुंदर चिकनकारी का काम है इसके फ्रंट योक पार्ट पे। ऑरेंज कलर मैंने लिया नहीं था बहुत टाइम से, तो मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था लेने का। 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगी इसकी, प्योर कॉटन है फैब्रिक, यहाँ पे फुल चिकनकारी का काम मिलेगा आपको, फुल एम्ब्रॉयडरी है ये जो आप देख रहे हो। एंड इसके नीचे आपको फुल लाइनिंग मिलती है सूट के ऊपर, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। इसके साथ आपको मिल जाती है सलवार, जिसमें आपको नाड़ा ऑब्वियसली डालना पड़ेगा। सो इसकी जो सलवार है, इसके ऊपर भी आपको नीचे चिकनकारी का काम मिलेगा। सो ट्रायल में जो आप क्लिप देख रहे हो, उसमें मैंने प्लाजो वेयर किया है, क्योंकि मुझे नाड़ा नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहनी ही नहीं सलवार बहुत टाइम से। सो इसलिए मैंने फिर इसको ट्राउजर के साथ, मतलब प्लाजो के साथ पेयर करके स्टाइल करके दिखा दिया आपको। बट इसके साथ जो मिली है आपको, वो मिलेगी ये सलवार। सो सलवार मैं आपको दिखा देती हूँ, फुल चिकनकारी का काम है यहाँ पे। इतने एरिया में आपको मिल जाता है, भरा हुआ चिकनकारी का काम है सलवार के ऊपर। अगेन ये भी फुल प्योर कॉटन में है इसका जो फैब्रिक है। सो अगेन ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा कलर ऑप्शन, आप और लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती है, ये ग्रे कलर में मैंने परचेज किया, मुझे बहुत टाइम से बनता है चिकनकारी ग्रे कलर में बाय करने का। इसकी इनर पे भी 40 साइज मेंशन है, अभी देख लेते हैं इस पे क्या मेंशन है। इस पे 40 मेंशन है, तो मे बी उन्होंने शायद मुझे वन साइज वो डाउन दे दिया है गलती से। ग्रे कलर में ली है मैंने ये चिकनकारी कुर्ती, सेम है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, बस कलर का डिफरेंस है। रियल मिरर वर्क की डिटेलिंग है पूरी कुर्ती पे जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही प्यारी सॉफ्ट जॉर्जेट है, प्रीमियम क्वालिटी का बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मैंने परचेज किया है। नेक्स्ट जो है चिकनकारी में, ये है शरारा के साथ, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन। इसमें कॉम्बिनेशन आपको और भी मिल जाएंगे, बट मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। 40 साइज मैंने लिया, ये भी प्योर कॉटन में है चिकनकारी कुर्ती है जो ये फुल आपको यहाँ पे गोटा पट्टी के साथ चिकनकारी का काम मिल रहा है। सो ये है इसकी कुर्ती, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ये प्योर कॉटन में है ये। इसके साथ शरारा मिलेगा आपको ये, जो जॉर्जेट में है, दोनों तरफ से इलास्टिकेटेड लाइनिंग के साथ मिलेगा, नीचे फुल भरा हुआ आपको गोटा पट्टी के साथ चिकनकारी का काम मिलेगा। फ्लेयर्ड में है इसका प्लाजो, बिल्कुल ट्रांजिशन थ्रू नहीं है, क्योंकि नीचे लाइनिंग मिल रही है। ये कॉटन में है, ये जॉर्जेट में है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब ये कलेक्शन बहुत ही, आई थिंक आपको बहुत पसंद आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ये सारे पीसेस, क्वालिटी बहुत अच्छी है सबकी। लेकिन आपको एक चीज बोल देना चाहती हूँ, ये सारे जो पीसेस हैं, सारे हॉट सेलिंग पीसेस हैं, ये आते हैं आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, फिर रीस्टॉक करते हैं, कुछ रीस्टॉक होते हैं, कुछ रीस्टॉक नहीं भी होते हैं। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आ रहा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आप जाके बाय कर लो फटाफट से, अपना साइज चेक करके, मेजरमेंट चार्ट वहां पे होता है। बाकी मैंने आपको बताई दिया कि मैं 40 परचेज करती हूँ, तो मैंने मोस्टली सारे साइज 40 में ही लिए हैं। तो अगर आपको पसंद है आप फटाफट से जाके बाय कर सकते हो, अदरवाइज बहुत जल्दी ये पीसेस सेल हो जाते हैं, क्योंकि समर्स में चिकनकारी बहुत चलता है, मीशो का चिकनकारी तो बहुत ही ज्यादा चलता है, बहुत लोग हैं जो मीशो से चिकनकारी कुर्तीज परचेज करते हैं। सो आई थिंक ये हॉट सेलर है सारे पीसेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट, ये शिफली में एक ड्रेस है बेसिकली, ये मीशो से नहीं है, ये मैंने परचेज की है मिंत्रा से। ये काफी सिमिलर जा रही थी इस पैटर्न के साथ, तो मैंने इस कलेक्शन में इसको इंक्लूड कर लिया। सो बेसिकली ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, वन साइड से ऑफ शोल्डर मिलेगी, कॉटन फैब्रिक में है ये शिफली की जो ड्रेस है, दिखा देती हूँ आपको। सो ये है वन साइड से ऑफ शोल्डर ड्रेस, कॉफी कलर में, एंड ये आपको इसकी स्लीव्स मिलेंगी, पफ्ड वाली स्लीव्स यहाँ पे इलास्टिकेटेड इसके साथ मिलेगा ये आपको,
एंड इसके साथ यहाँ पे बेल्ट के लिए यहाँ पे लूप्स भी हैं, नीचे लाइनिंग मिलेगी आपको, ट्रांजी सी थ्रू ये नहीं है, नीचे फिश कट में है इसकी जो डिटेलिंग है, ऊपर से ये बॉडीकॉन में है, नीचे से ये फिश कट टेल में है ये, सो बहुत अच्छा है डिज़ाइन इसका। इसके साथ जो लूप्स मिली थी उसके साथ आपको बेल्ट भी मिली है लगाने के लिए, सो ये भी सेम फैब्रिक में है, शिफली में ही, सो ये भी बहुत प्रिटी ड्रेस है। इसकी पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी या ट्राई ऑन क्लिप्स डाल दूंगी, तो आप देख लेना, बहुत ही अमेजिंग है ये भी ड्रेस, अगर आपको पसंद है आप ले सकते हो। मिंत्रा से है ये लिंक, मतलब मिंत्रा से है ये ड्रेस, लिंक आपको मिंत्रा का ही मिलेगा ऑब्वियसली, मीशो का तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि मीशो पे नहीं है ये ड्रेस। सो इस कलेक्शन में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच वीडियोज, एंड मैं बता दूं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो, एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक आपने, आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो, क्या मिस कर रहे हो वो आपको देख के पता चलेगा वहां पे, तो फटाफट जाओ वहां पे जाके सब्सक्राइब करो। इंस्टा हैंडल मेरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इजिली क्लिक करके सीधा इंस्टा पेज पे जा सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।